हम संगठित नहीं हैं, हम इकट्ठे नहीं रहते हैं। इस प्रकार की बातें डॉक्टर हेडगेवार जी ने तब रखी थी सन 1925 में, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। उनका चरित्र चित्रण करना आज अत्यावश्यक रहता है। हमको भी विचार करना चाहिए कितना महान दृष्टिकोण था उनका। रोम रोम में इस भारत मां की मूर्ति उनके चिंतन में रहती है। कहते हैं, मैंने भी देखा है नागपुर में जो संघ का मुख्यालय है, इतना बड़ा टिफिन है उनका, इतना बड़ा टिफिन, इतने वो बलशाली थे, नित्य प्रति वो व्यायामशाला जाते थे, व्यायामशाला जाते थे। किंतु इस राष्ट्र की इस दीनहीन परिस्थिति को देखकर इतना संघर्ष उन्होंने किया, इतना उन्होंने काम किया, नंगे पांव फटे हाल वो घूमते रहे और मात्र 50 साल की आयु में वो इस शरीर को त्याग कर चले गए। उनके खून का पानी बन गया था नंगे पांव घूमते घूमते इस समाज को इकट्ठा करने के लिए, इस समाज को एक करने के लिए, भारत को पुनः शक्तिशाली बनाने के लिए, भारत को पुनः सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए वो इतना संघर्ष किया उन्होंने, इतना परिश्रम उन्होंने किया कि उनके खून का पानी बन गया था। इस राष्ट्र की इतनी पीड़ा थी उनको, हम सब की, हमारे हिंदू समाज की इतनी पीड़ा थी उनको कि उनके खून का पानी बन गया था। और बताते हैं कि जिस दिन शरीर त्यागा था उनका, परम पूज्य श्री गुरु गोलवलकर जी उनके साथ थे रात में, तो गुरु गोलवलकर जी बताते थे कि रात भर परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी आधी सी आंखें खुली रखकर मां 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 इस प्रकार पुकारते रहे, मां यानी भारत मां को पुकारते रहे, और ऐसा बोलते रहे कि मेरे जाने के बाद मेरी मां का क्या होगा, मेरे हिंदू समाज का क्या होगा। इतनी पीड़ा, इतना सरोकार, इतनी चिंता, इस प्रकार की चिंता थी उनकी इस राष्ट्र के प्रति। और मात्र 50 साल की आयु में शरीर त्याग कर चले गए। तभी से इतना सा संघ, इतना संघ था, छोटा सा संघ था। आज हम सब जानते हैं दुनिया की सर्वशक्तिशाली राष्ट्र संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन अगर इस धरती पर कोई होगा तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। करोड़ों स्वयंसेवक हैं उसके, वो केवल भारत में ही काम नहीं करते, पूरी दुनिया में काम करते हैं।